ओम शांति। मैं पिछले महीने एक व्यक्तिगत कार्यवश यहाँ पर एक सीआरपी कैंप है उसमें स्पीच देने के लिए भोपाल से यहाँ आया था। उसी बीच मुझे मेरे जो पुलिस के साथी हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम है वो भी देखने ज़रूर जाइए, तो मैं यहाँ आया और कम से कम 4-5 घंटा 30 मार्च में मैं यहाँ रहा। मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई और जो भाई और बहनें जो सफ़ेद धवल वस्त्र पहने हुए थे उनसे बातचीत करके, और उसी समय हमारे ड्राइवर ने कहा साहब मुझे भूख लगी है, तो मैंने एक भाई को कहा भाई ड्राइवर को खाना खिला सकते हैं, तो एक भाई अमरीक मुझे ध्यान है उन्होंने कहा बिल्कुल आप भी आइए और उनको भी खिलाइए और मेरे सिक्योरिटी वाले उनको भी खिलाइए। तो मैं भीतर भीतर बात कर रहा था तो ड्राइवर को मैंने कहा आप ड्राइवर साहब खाना खा लीजिए, तो मुझे भी उन्होंने कहा वीआईपी कक्ष में लेके खाना खिलाया। खाना तो ठीक था लेकिन जो मुझे वातावरण जो लगा वो बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने रिसेप्शन में गया मैंने कहा बातचीत कर रहा था, वहाँ माधुरी बहन मिली हमको एक जो स्वर्णिम संचार के लिए स्वर्णिम संस्कृत का जो प्रोग्राम होने वाला था उसके विषय में बताया उन्होंने कि अगले महीने होने वाला है। तो मैंने माधुरी बहन को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा क्या हम भी आ सकते हैं इसमें, उसका क्या प्रावधान है? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप आ सकते हैं। कहाँ से आएंगे? मैंने बताया मैं तो अभी जाऊँगा हैदराबाद, वहाँ मुझे लेक्चर देने आने की, मैं टूरिंग करता रहता हूँ, उसके बाद मैं भोपाल पहुँचूँगा। तो आप ऐसा कीजिए बी के दयाल भाई हैं उनका मैं नंबर देती हूँ आपको, अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो उनका नंबर उन्होंने दिया, तो कहने लगी उनसे बात करिए। तो मैंने बताया मैंने कहा मैं बी सी जोशी हूँ, यहाँ आया हूँ कार्यवश और आपके ज्ञान सरोवर में से बात कर रहा हूँ, क्या मैं अगले महीने जो आपका प्रोग्राम है उसमें आ सकता हूँ? तो भाई साहब ने तुरंत कहा आपका स्वागत है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ब्रह्मा बाबा सामने आके मुझे बोल रहे हैं कि अब कोई चिंता नहीं है। मैंने दोबारा प्रश्न पूछा मैं क्या रिजर्वेशन भोपाल से करवा लूँ? उन्होंने कहा बेशक करवा लीजिए। तो मुझे यहाँ पर जो आने का मौका मिला और अब जो पिछले 4-5 दिन से मैं रह रहा हूँ ऐसा इतना अच्छा लगा कि मैंने रिसेप्शन में जाके पूछा कि क्या मैं अगले जो सेशन है उसमें भी आ सकता हूँ? तो मुझे उन्होंने कहा बिल्कुल अगले महीने ये सेशन आ रहा है, ये सेशन आप आइए। तो मैं भी आप सब लोगों से प्रार्थना करूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो इतने पुण्य का काम है और ये वास्तव में हम लोगों का भाग्य अच्छा है कि हम लोगों को अनायासी ऐसे दयाल भाई जैसे या माधुरी बहन जैसे लोग मिले और उन्होंने हमको यहाँ अवसर दिया, और मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सब लोगों से भी प्रार्थना करूँगा कि ऐसे आते रहें और सीखते रहें और इसका प्रसार भी करते रहें। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक भाई साहब। अपन वहाँ परिचय दे दीजिए एक सेकेंड। मैं बी सी जोशी पहले 1964 से आर्मी सर्विस मिलिट्री में रहा हूँ गोरखा राइफल्स में, जिसकी एक यूनिट यहाँ अभी माउंट आबू में भी है, अभी एक्सरसाइज में गए हुए हैं, उसमें मेजर के रैंक में था और 8 साल की आर्मी की सर्विस इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुई थी 65 में उसमें मैंने भाग लिया है और मेरे तमगा भी मिला है उसमें। उसके पश्चात मैं इंडियन पुलिस सर्विस में आया और मध्य प्रदेश काडर मुझे अलॉट हुआ है और 6 जिलों में एसपी रहा और 3 रेंज में डीआईजी रहा और 3 जोन में आईजी रहा, आईजी जबलपुर, आईजी इंदौर और आईजी भोपाल, और वहीं से मैं रिटायर हुआ। और अभी मैं पुनः मेरी जो
एक्सपीरियंस से उसको देखते हुए मध्य प्रदेश शासन मुझे इनरोल कर रहा है एज ए एडवाइज़र. मैं विभिन्न स्थानों में जाता हूँ और लेक्चर देता हूँ, जैसे नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, यहाँ CRPA कैंप है, माउंट आबू में, मुरादाबाद में है डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस, जो नए ट्रेनिंग होते हैं, ऐसे स्थान पर जाके मैं भाषण देता हूँ. बस यही मेरा सच. अब मैं जहाँ पर आया हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा. धन्यवाद. ओम शांति. दयाल भाई, एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे. यहाँ ज्ञान सरोवर पूरे परिसर में जो वातावरण है, उस वातावरण से हम सभी प्रभावित हैं. एक सवाल जगता है कि हम ज्ञानात्मक दृष्टि से जुड़ें या भावनात्मक दृष्टि से जुड़ें. ज्ञानात्मक दृष्टि से एक टीचर हमको देता है, दो और दो चार होते हैं ज्ञानात्मक दृष्टि, लेकिन भावनात्मक दृष्टि से जो जोड़ता है गुरु जो देता है. भावनात्मक दृष्टि से दया करता है, कृपा करता है, सूरज प्रकाश देता है, खिड़कियां बंद कर दें तो भी प्रकाश आएगा, हम ना चाहें तो भी प्रकाश आएगा. गुरु कृपा करता है. हमारे बाबा एक गुरु थे, अच्छे गुरु थे, शिक्षक थे, शिक्षक के साथ गुरु भी थे. तो ज्ञानात्मक दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से दोनों बात, इनमें दोनों हमें कौन सी श्रेयस्कर हैं, कौन सी हमको ग्रहण करनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा भाई साहब. ये जो है हमारा आध्यात्मिकता का जो मार्ग है वो सिर्फ दिमाग का मार्ग नहीं है. यहाँ 2+2=4 होता है, लेकिन बाबा परमात्मा भगवान के लिए कहा जाता है वो भावनाओं का भूखा है. असल में भगवान तो भूखे होते नहीं हैं. भगवान तो भूखा थोड़ी होता है, वो तो तृप्त होता है. कहने का मतलब हम परमात्मा को भावना से याद करें. एक ज्ञान के आधार से याद करना, अभी आप लोगों को ज्ञान मिला है कि परमात्मा कौन है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमधाम निवासी है, तो उस तरीके से याद करना. और जैसे हम भक्ति में भावना से याद करते हैं, जानते नहीं हैं, तो अभी हम जान गए हैं तो भावना हमारी रहे ज़रूर और समझ भी रहे, तो ये दोनों का कंबाइन मार्ग है. भावना भी ज़रूरी है और ज्ञान भी ज़रूरी है. इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम या कि ज्ञान के आधार से ही याद करें या भावना के आधार से याद करें. ये प्रेम का मामला है. हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, प्रेम में निछावर होते हैं, तो प्रेम भावनात्मक है. इसलिए भावनात्मक और ज्ञानात्मक दोनों का जोड़ ही हमको परमात्मा तक पहुंचा सकता है. ओम शांति. अभी हम पूछते हैं अनुभव, तो जिनको इन 3 दिन में कुछ अच्छा अनुभव हुआ है वो कृपया सामने आके अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं. जी, मैं राजेश अरोड़ा, चंडीगढ़ से. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव हुआ. मैं एक एक चीज़ यहाँ से अच्छी लेके जा रहा हूँ. ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार माइक पकड़ा है और कभी स्टेज के सामने तक नहीं गया. जागरण, चौकी, माता की भेंटें सब दे सुनी, लेकिन दूर बैठ के. आज मेरे को दीदी ने कहा तो मैं यहाँ तक आया हूँ. इसलिए सबको ओम शांति. मैं गुजरात मेहसाणा से आ रही हूँ. 91 से मेहसाणा सेंटर में म्यूजिक की सेवा दे रही हूँ, पर यहाँ पहली बार आई हूँ. वहाँ
सेवन डेज का कोर्स किया है, कल्चर में आ रही हूँ. मैं दो लाइन में अपना अनुभव व्यक्त करूँ. हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन. हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन. दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन. ओम शांति. ओम शांति. दयाल भैया जी, आपके स्थान पे आकर, क्योंकि हम आपके साथ एक महीने से जुड़े हैं, हमारा नाम है बाबा बलवीर सिंह जो लुधियाने से आए हैं, तो हैप्पी सिंह जो वीर था उन्होंने आपके साथ हमको जोड़ा. बोला बाबा जी एक बार उस स्थान पर जाकर देखो कितनी शांति आती है, कितना आनंद आता है. तो आनंद है, आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया. क्योंकि गुरु जहाँ है वहाँ पे आनंद है. क्योंकि ओम शांति का जो शब्द है, जब भगवान ने ये सृष्टि पैदा किया था तो पहले देवी देवते फिर राक्षस पैदा किया, लेकिन ये जो शब्द है ओम शांति का, सबसे पहले जब ये सृष्टि साजी गई थी तो तब ओम शांति का ये जो हम नारा लगाते हैं ये हमको मिला है. लेकिन इस स्थान पे आकर हमको इतना आनंद आया, इतना आनंद है कि आत्मा जो है हमारी बहुत शांत है. इसलिए बोला जाता है कि करे जो फूल की रक्षा उसे खार कहते हैं, बदल डाले जो इंसान को उसे प्यार कहते हैं, बदल डाले जो इंसान को उसे प्यार कहते हैं. सुनो हे दुनिया वालों सुनो, मैं तुझे बेधड़क कहता हूं, जो सर पे धार को रख दे उसे दिलदार कहते हैं. क्योंकि ये जो इंसान आया है दुनिया पर, इसका एक सृष्टि है जो भगवान के साथ मिली हुई है. इसलिए कहा गया है कि हमने ही 14 साल का वनवास था झेला, मारा था कंस मैंने, अर्जुन था मेरा चेला. महाभारत में कौरों से लड़ा था अकेला, राम भी बना हूँ शंकर भी बना हूँ, नानक के चोले में बाबर को मिला हूँ. क्योंकि ये इंसान है, ये भगवान है, सब इसकी शरण में आते हैं. जो जो इस स्थान पे आया है, दास वादे से कहता है वो इंसान बन जाएगा. क्योंकि बाहर की दुनिया में जाकर देखो तो बहुत शोर शराबा है, लेकिन इस धरती में आए हैं तो इतनी शांति है, इतनी शांति है कि वो भगवान ही जानता है. ओम शांति. ओम शांति. इस शरीर का नाम मकरंद भोसले है और ये बोरुली से आया है. यहाँ पर आने के बाद पता चला कि हम आत्मा है और स्वर्ग मैंने सुना था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद स्वर्ग कैसा होता है ये मैंने पहली बार महसूस किया. और मैं एक कलाकार हूँ, बाबा के दरबार में हाजिरी देने आया था लेकिन कुछ कारणवश नहीं हुआ, लेकिन अगली बार जरूर आऊँगा और एक प्यारा सा गीत सुनाऊँगा मैं. ओम शांति. भरत भाई वैद्य फ्रॉम मेहसाणा जिला, कड़ी से आता हूँ मैं. मेरा क्वालिफिकेशन है सिविल इंजीनियर हूँ, साथ में म्यूज़िक विशारद हूँ, डबल तबला और वोकल में. मेरी एक तमन्ना थी कई साल से, मैं ऐसी कोई जगह ढूंढ रहा था कि मैं कुछ कर सकूँ. अपने लिए मैंने बहुत किया, अब कुछ और लोगों के लिए करूँ. तो मैंने कड़ी के अंदर मेरी गवर्नमेंट जॉब के साथ म्यूज़िक का क्लास मैंने खोला था. उसके अंदर
कई स्टूडेंट ऐसे तैयार किए हैं मैंने कि जो आज अपने पैर पे बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं। तो आज मैंने अपने लिए भी किया। अब मेरी मैं इच्छा एक साल थी कि मैं कुछ अपने भगवान के लिए करूं, कुछ औरों के लिए करूं। तो आज अनायास से मैं बाबा का एक महीना का बच्चा हूं और मेरे को अनायास ही यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ओम शांति। ओम शांति। बात जब दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। यहाँ आने के पश्चात तो बात कल भी जब हम कर रहे थे तो मैंने जो अपनी भावना व्यक्त की थी उसके अंतर्गत यही लगा कि यहाँ आने के तुरंत पश्चात हमें कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का जो फर्क समझ में आया। जैसे उदाहरण के लिए, यदि बाहर हम और आप सभी जानते हैं किसी से कहीं किसी का पता भी पूछ लें तो सामने वाला ऐसे देखने लगता है जैसे आपने अपराध कर दिया। उसने यदि आपको समझा भी दिया और आप नहीं समझे और फिर दोबारा पूछ लिया तो मान लीजिए वो लड़ने को ही तैयार है, और फिर भी समझ में नहीं आया तो तीसरी बार पूछने से अच्छा गलत जगह चले जाएं मगर भाई साहब से नहीं पूछें। यहाँ कम से कम ये है कि हम पूछें उससे पहले सामने वाला समझता है, स्वयं आकर हमसे जानना चाहता है, वो पूछ लेता है कि आप क्या पूछना चाहते हो। ये मैं भावना अपनी व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फाइनली बात यही है कि जो भी हम बात करते हैं यहाँ हमने महसूस किया दिल से करते हैं, प्रफुल्लित चेहरे हैं, भगवान ने इतना खूबसूरत तन मन सब कुछ दिया हुआ है तो कहीं किसी से बात करने में क्या तकलीफ है। मुस्कुराता हुआ चेहरा ही अच्छा लगता है, रोता हुआ चेहरा कभी अच्छा नहीं लगता। तो किसी से कोई बात करना हो तो कम से कम वो तो मुस्कुराते हुए कर लें। दयाल भाई साहब को जब भी देखता हूँ हर चीज़ में जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो मुस्कुराते हुए होती बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ आने के बाद में वैसे तो सारी चीज़ें हैं कि बहुत ही अच्छा लगा, शब्दों में एक पूरी कहानी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। संक्षिप्त में इतना ही कहूँगा कि स्वर्गीय आनंद की अनुभूति यहाँ पर हुई है आने के पश्चात, और हम लोग भी अपने आप में जो सुधार करने का प्रयास करेंगे कि अगर कहीं किसी से कुछ बात करना हो, किसी के लिए कुछ करना हो तो मुस्कुराते हुए करें। धन्यवाद। ओम शांति। प्राध्यापक जनक दवे, गुजरात से आया हूँ। हम लोग गुजरात से आए हुए हैं 11 में। नाट्य शास्त्र का अभ्यास विद्यार्थियों को कराते हैं, करवाता था और भी शिविरों में सिखाते हैं। हमारे शास्त्र के नज़दीक यानी कि नाट्य शास्त्र के नज़दीक ही अध्यात्म है। एक ऐसी अनुभूति यहाँ पर ज़्यादा होगी। आमतौर पर उन लोगों को जबकि ट्रेनिंग देते हैं तो श्वसन प्रक्रियाएं, प्राणायाम, स्वर साधना और तार सप्तक तक वो गा सके, इसी तरह के हमारे जो मीरा जी के भजन है, नरसिंह के भजन है, दूसरी जो भजन वगैरह, उनको संगीत गायन वादन नर्तन तीनों में उनको तालीम में रखते हैं विद्यार्थियों को, विद्यार्थिनियों को, और इसी तरह वो इस तरह तैयार होते हैं। यहाँ की मेरी अनुभूति ऐसी है कि जो तादात्म्य की पात्र के साथ, वो कैरेक्टर के साथ की तादात्म्य की बात करते थे हम और कर रहे हैं, और सात्विकता की जो बात करते हैं पात्र के सात्विक अभिनय की बात उन लोगों के साथ करते थे और कर रहे हैं, उसमें और ज़्यादा गहन ज्ञान के साथ विद्यार्थियों को और मैं दे सकूं, ऐसा एक संस्कार मेरे में यहाँ इतने दिनों में और ऐड हुआ है मेरे में, और मैंने लिया है कि जो मैं मेरे विद्यार्थियों को दे सकूं कि भी जो त्रुटियाँ मेरे में थी वो अब नहीं रहेगी, जो
बाबा ने जो किया है, बाबा से मैंने पहले दिन ही कहा था कि जब उनके सामने बैठते थे और बैठे हैं और बैठेंगे याद करके, तब की सतत हमें एक खास तौर पर एक क्या कहते कि हमें संस्कार इसी तरह देते रहेंगे कि हम जिस कार्य के लिए, जिस कर्म के लिए जो जुड़े हुए हैं उसमें उनकी प्रेरणा, उनके इंस्पिरेशन से हम सात्विकता से हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी को हम अच्छी तरह से तैयार करेंगे। पहले दिन मैंने कहा था कि जो हमारी विश्वविद्यालय हैं उन लोगों को आध्यात्मिक अभ्यास क्रम को अपने सिलेबस में रखना चाहिए, तब कि आने वाली पीढ़ी जो बिखर रही है, दूसरी ओर जा रही है, उनको हम ठीक रास्ते पर ले आएंगे। ओम शांति। ज्ञान सरोवर में आके मेरा दिल तो गोल्डन गोल्डन हो गया, एकदम गोल्डन गोल्डन हो गया। मैं हास्य कलाकार हूँ, आशा भट्ट हूँ, मैं खुशी खोजती हूँ। कई जगह मैंने खुशियाँ खोजी, कई जगह मैंने खुशियों के कोई वाक्य खोजे, लेकिन यहाँ पे मुझे जो मिला वाक्य, मैं सबको जाके बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को बांटूंगी। वो आपको थोड़ा दो शब्द है मैं यहाँ बताती हूँ। जो मैंने सुना, जो मैंने महसूस किया वो है खुशी। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, चिंता जैसी कोई मर्ज नहीं। ए स्माइल सेज केयरिंग समथिंग, अंडरस्टैंडिंग एग्रीड, वेल डन, आई एम हैप्पी, सेटिस्फेक्शन, सक्सेस, थैंक यू, सो स्माइल प्लीज। दिल गोल्डन गोल्डन हो गया, के दिल गोल्डन गोल्डन हो गया। ओम संत। मैं बॉम्बे से आई हूँ सितंबर में। बाबा के यहाँ हमारी फैमिली आकर गई, हमें लगा वो फैमिली में हमारा नंबर नहीं लगा। हमारी बहुत इच्छा थी, बहुत मन में हमने किया बाबा हमें भी बुलाओ। अभी भी हमें को टिकट नहीं मिल रहा था, लेकिन बाबा ने तत्काल में हमारा टिकट निकाला और बाबा ही हमें इधर लेके आए। यहाँ आके हमने सब दीदी लोगों का ज्ञान सुना, ज्ञान पढ़ा, और दीदी लोग सब नारी है, इसीलिए मैं बोलती हूँ नारी नारी निंदा न करो, नारी है रत्न की खान, जिसमें पैदा हुए है श्री कृष्ण भगवान। बोल के मैं मेरा मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरे को यहाँ के बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं भी ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मुझे यहाँ आके कुछ अलग सा महसूस होने लगा है, क्योंकि वहाँ से अहमदाबाद में तो भागदौड़ वही काम, वही रूटीन वर्क, ये सब यहाँ आने के बाद सब छूट गया है। केवल ध्यान, मेडिटेशन, लेक्चर्स, सुबह में जल्दी उठना, वहाँ जाना है, वहाँ इधर जाना है, उधर जाना है, ये भागदौड़ से इतना कुछ मुझे यहाँ मिला है जो वहाँ नहीं मिलता। और यहाँ आके ये भूमि शांति की है, तो इतना शांति मैं महसूस कर रही हूँ, मेरे मगज में भी इतनी शांत ये हो गई है प्रक्रिया, कि अभी तो शायद मैं अहमदाबाद जाऊँगी। मैं अहमदाबाद से हूँ, मेरा नाम प्रतिभा रावल है, तो शायद मैं अहमदाबाद जाऊँगी तो थोड़े दिन तो यही सब मेरे मगज में घूमती रहेगी, क्योंकि यहाँ आने के बाद न कोई टीवी का झमेला है, न कोई पेपर का, न्यूज़पेपर का नहीं है, कुछ नहीं, दुनिया कहाँ चलती है कुछ पता ही नहीं चलता, केवल यही है। तो यही एकाग्रता मेडिटेशन जो यहाँ होता है और यहाँ जिस तरह से कराया गया है वही तरह से अभी मैं अहमदाबाद जाके वो उसी का उपयोग करूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी ये हम अनुभव का सेशन यही ख़त्म करते हैं। आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम दो मिनट में कुसुमेन जी के उद्गार सुनेंगे। ओम शांति।
अभी वो बहन जी सुना रही थी, मेरा दिल गोल्डन गोल्डन हो गया। मैं आप सभी को ये पूछना चाहती हूँ, आपका दिल गोल्डन गोल्डन हो गया या गार्डन गार्डन हो गया, क्या हो गया है? या गोल्डन भी हुआ और गार्डन भी हुआ? क्योंकि एक है हरियाली, गार्डन इट मीन्स हरियाली, और गोल्डन वाला खुशहाली। तो जहाँ हरियाली होती है तो खुशहाली नहीं होती है कभी कभी, और जहाँ खुशहाली होती है तो हरियाली नहीं होती है। लेकिन यहाँ प्यारे बाबा के घर में आप सभी ने यह अनुभव किया होगा कि यहाँ आपने जिधर उधर देखा होगा हरियाली हरियाली है, और साथ में बाबा का प्यार, बाबा का ज्ञान, दिनचर्या, यह सब देख करके आप सभी ने अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं। जो भी भाई बहनों ने सुनाया और नहीं भी सुनाया, लेकिन मैं जानती हूँ कि सभी ने अच्छे अनुभव किए। अभी ये अनुभव आप अपने साथ ले जाइए और दूसरों को भी इसका लाभ दीजिए, और जहाँ से भी आप आए हैं, जो भी हमारा वहाँ सेवा केंद्र है उससे आप जुड़िए और इसको रेगुलर कीजिए। ऐसे नहीं जैसे अभी यहाँ से गए, चार पाँच दिन आपको याद आया और फिर भूल गए सपन की तरह, ऐसा नहीं। क्योंकि कोई भी बात अगर रेगुलर करते हैं तो एक जीवन बन जाती है। इसलिए जो यहाँ आपने मेडिटेशन सीखा है, इसका रेगुलर आप अपने घर में भी परिवार के साथ रहते हुए अभ्यास कीजिए, तथा हमारा सेवा केंद्र है वहाँ पर भी जाइए, आधा घंटा अपने लिए अवश्य निकालिए और अपना जीवन बनाओ, परिवर्तन अनुभव करो। जो अनुभव लिया है उसको पल पल अपने साथ रखो, ताकि शिव बाबा आपके साथ रहे और आपके जीवन में सदा सफलता मिलती रहे, हर बात में, हर कर्तव्य में, और आप आगे बढ़ते रहे, समझा? इसीलिए अभी आप ये नहीं समझना कि अभी हम यहाँ आए हमारा पूरा हो गया, लेकिन अभी आपके ऊपर शिव बाबा ने ये जिम्मेवारी दी है कि आपको जाकर के क्या करना है, अपने समान दूसरों को भी यह ज्ञान देना है, अपना अनुभव सुनाना है, और वो भी यहाँ बाबा के घर में पहुँचे उनके लिए भी ये प्रयास करना है और उनको यहाँ लेकर के आना है, ठीक है? अभी आप सभी के लिए, हम सभी की, प्यारे बाबा की, हमारे सभी भाई बहनों की, वरिष्ठ भाई बहनों की, हमारी दादियों की, सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद लेकर के जाइए और आप अपने जीवन में सदा सुख शांति का और खुशी का अनुभव सदा काल के लिए करते रहिए। ओम शांति। शकुंतला बहन जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, दो मिनट थोड़ा अपने जो एक्टिविटीज़ है, कैसे हॉस्टल की बच्चियाँ अपना भाग्य बना रही है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। ओम शांति। मैं इंदौर से हूँ और इंदौर में एक संस्था का एक छात्रावास है, शक्ति निकेतन के नाम से उसको हमारा यज्ञ जानता है, और वहाँ पर देश विदेश की कुमारियाँ आती हैं, आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों की शिक्षा प्राप्त करती हैं, और मुझे गर्व है कि विश्व के सामने वो एक ऐसा उदाहरण है जिसको हम युवा सशक्तिकरण के रूप में समस्त विश्व के सामने ब्रह्मा कुमारीज की एक्टिविटी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कि ब्रह्मा कुमारीज कोई बूढ़े व्यक्तियों की संस्था नहीं है, या यहाँ पर कोई रिटायर्ड लोग नहीं आते हैं, युवा शक्ति भी यहाँ पर आती है और उसका भी आध्यात्मिक सशक्तिकरण यहाँ पर आध्यात्म और राजयोग के द्वारा किया जाता है। आध्यात्मिक सशक्तिकरण का मतलब है चरित्र निर्माण, मूल्य शिक्षा, स्वावलंबन और स्व अनुशासन, और इसी कार्यशैली पर वहाँ स्थित जो शक्ति निकेतन छात्रावास है उसका संचालन किया जाता है। सारी दिनचर्या जैसे आपने यहाँ पर ज्ञान सरोवर में आकर देखी, सुनी और अनुभव की, उसी का जीवंत उदाहरण है शक्ति निकेतन। प्रातः 3:30 बजे से वहाँ की दिनचर्या का प्रारंभ होता है। छोटी बड़ी सभी कुमारियाँ, आप यकीन करेंगे वहाँ पे 10 साल की कुमारी एडमिशन लेती है और ग्रेजुएशन तक, कम से कम 20 वर्ष तक 10 साल वो कन्या हमारे पास रहती है अगर वो पूरी पढ़ाई करती है वहाँ पर। तो 10 सालों के अंदर वो कंप्लीट, मतलब जीवन जीने के लिए जो भी जरूरी आवश्यकताएँ होती हैं, स्थूल और सूक्ष्म, चाहे घरेलू कामकाज हो, चाहे आध्यात्म हो, चाहे ध्यान हो, चाहे चरित्र हो,
चाहे मूल्य हो और चाहे व्यवहार हो, चाहे संस्कार हो और चाहे आंतरिक सशक्तिकरण हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति का कैसे भी सामना करने का साहस हो, सभी प्रकार की शिक्षाएं वहाँ रहकर कुमारी अपने अंदर महसूस करती है। और सबसे बड़ी बात, 150 कन्याएं एक साथ रहती हैं, तो जो मुख्य चरित्र वो वहाँ सीखती हैं, एडजस्टमेंट पावर। अलग अलग देश, अलग अलग जलवायु, अलग अलग स्थान, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति से वो आती हैं। कई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी भी नहीं जानते और हम उनकी भाषा नहीं जानते, लेकिन दिल की भाषा दिल जानता है। हम इशारों से ही बात कर लेते हैं, वो हमारी बातें समझ लेती हैं, हम उनके भावों को समझ लेते हैं। और वो वहाँ इस तरीके से रहती हैं कि उन्हें कभी अपना घर याद नहीं आता है। और मुझे गर्व है कि इस छात्रावास से अभी तक हज़ारों कुमारियाँ निकल चुकी हैं, जो हमारी संस्था के अनेक सेवा केंद्र देश और विदेश में जो ईश्वरीय सेवाएं चल रही हैं, बाबा के इस ईश्वरीय कार्य को तन मन धन से, समय स्वास्थ्य संकल्प से समर्पित होकर आगे बढ़ा रही हैं, ईश्वरीय संदेश जन जन तक पहुंचा रही हैं और जनमानस का कल्याण कर रही हैं, नैतिक उत्थान कर रही हैं और अनेक आत्माओं को परमात्म वर्षे का अधिकारी बना रही हैं और उनका स्वर्णिम भविष्य निर्माण करने में विशेष योगदान दे रही हैं। इस प्रकार से छात्रावास का संचालन होता है। समय की सीमा है, इसलिए मैं यहीं पर ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आप सबके लिए एक शुभ संदेश, आप बाबा के घर में आए हैं तो एक ईश्वरीय वरदान यहाँ से सदा के लिए लेकर जाइए, जो इस सीज़न में बाबा की मुरलियों में बाबा ने हम बच्चों को दिया है, शिव बाबा ने, जो हमारे पिता हैं, परमात्मा हैं। बाबा की सीज़न में हम बच्चों के प्रति यही आश रही है कि जो भी मिले, खुश रहो, खुशी बांटो, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। तो ये दो ऐसे ईश्वरीय वरदान हैं जो परमात्मा ने हम बच्चों को इस सीज़न में दिए हैं और होमवर्क करके आने के लिए कहा है कि अगली बार जब मैं आऊँ तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आए, क्योंकि अब समय ऐसा आने वाला है कि हमारी मुस्कुराहट और हमारी आंतरिक खुशी यही ईश्वर का साक्षात्कार कराने का माध्यम बनेगी। तो आप यहाँ आए हैं तो इस ईश्वरीय वरदानों से अपनी झोली संपन्न करके जाएं, ऐसी मेरी शुभ भावना है। ओम शांति। ओम शांति। अंत में विदाई के क्षण तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसको यहाँ विदाई नहीं कहते हैं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विदाई तो नहीं है, क्योंकि ये कल्प कल्प का हमारा रिश्ता है। हर कल्प में मिले हैं, हर जन्म में मिले हैं, हर कल्प में मिले हैं, हर जन्म में मिले हैं। हम एक चमन के गुल हैं, कई रंग में खिले हैं। हम एक चमन के गुल हैं, कई रंग में खिले हैं। आज मिल रहे हैं, फिर मिलते रहेंगे। आप यहाँ से जाएंगे, जल्दी आएंगे, इसलिए गोसुन गोसुन कम सुन, गोसुन कम सुन। आइए, आपके लिए ये बधाई गीत है। हमारे साथ पूरे कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी संगत दिए हैं। अब मैं चाहता हूं अपने वादक वृंदों का, इनका भी आपको परिचय करा दूं। हमारे असीम भाई हैं, कलकत्ता से आए हैं, बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, पूरा साथ दिए, खास इसके लिए आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें असीम दा का। और हमारे अश्विनी सूदन भाई, आप दिल्ली से हैं, शालीमार बाग से, आप संगीत के अध्यापक हैं और इतना अच्छा पढ़ाते हैं। ऋचा शर्मा, आप बहुत अच्छी गायिका का नाम सुना होगा, आप जैसे कितनी ऐसी विभूतियों को आपने तैयार किया है और उन्होंने कई गीत भी गाए हैं, कई सीडी तैयार किया है, वो दिव्य गीत, दिव्य पुकार, इस प्रकार से कई गीत उन्होंने तैयार किया है। मामा के गीत बहुत गाए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें, स्वागत करें। और हमारे साथ में मधुरवाणी के धनी प्यारे नितिन भाई साथ में हैं, मैं स्वयं सतीश भाई हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ इस गीत के द्वारा, कि आप जल्दी आइए, लेकिन जल्दी आइए। ओम शांति। ओम शांति। Ah
भला करे भूलते
रहे बड़े भाग्य से मिली है घड़िया बड़े भाग्य से मिली है घड़िया हम आप ऐसे मिलते रहे रूहानी गुलशन में फूल बनकर आते रहे खिलते रहे यहाँ के अनुभव सुनाते सबको प्रभु पास में लाना है मूलों की जो महक मिली है मन मधुबन महकाना है दिलों में सबके घना अंधेरा दिलों में सबके घना अंधेरा सगन ज्योति बन चलते रहे बड़े भाग्य से मिली है घड़ियां बड़े भाग्य से मिली है घड़ियां हम आप ऐसे मिलते रहे रूहानी गुलशन में फूल बनकर आते रहे मिलते रहे रूहानी